आज भारतीय नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। हम यहाँ जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने पर यदि हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है, जो आप सेक्स टेबलेट लेकर के सेक्स करते हो, क्या उसका आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले हम एक सामान्य सी टेबलेट की बात करते हैं जिसका नाम है वियाग्रा। वियाग्रा ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसने सेक्स की टेबलेट ली हो और वियाग्रा ना खाई। तो वियाग्रा आपको पता है किस पर्पज से बनाई गई थी। वियाग्रा का जब निर्माण किया गया था तो वो इस उद्देश्य से किया गया था कि यदि बीपी लो किसी का बार बार होता है तो वो लोग इसका लाभ ले सकें। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ, उसने बीपी की ब्लड प्रेशर की गति तो बढ़ाई लेकिन बढ़ाई गुप्तांगों पर जा करके, और दूसरा ये हुआ कि उसके सेवन से जो है आदमी के सिर में दर्द होना शुरू हो गया, इसलिए जो है इस दवा को रोक देना। लेकिन फिर इसको दूसरे पर्पज से जो है प्रयोग किया जाने लगा। तो जो भी आप जिस भी फार्मेसी की जितनी भी औषधियों का सेवन करते हो, एलोपैथी की औषधियों का जो काम शक्ति को उत्तेजित करने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए होती हैं, सेक्स को बढ़ाने के लिए होती हैं, तो उनका आपके शरीर पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि वो एक स्टेराइड होते हैं। और स्टेराइड कोई भी हो, यदि आप लंबे समय तक सेवन करोगे तो सीधी सी बात है उसका आपको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है आपने आज कोई वटी ले ली तो उसका आपको नुकसान नहीं है। यदि आप महीने में एक दो लेते हो तो शायद फिर भी कोई नुकसान ना हो, लेकिन जिस वक्त आपकी अवस्था ये आ गई होती है कि बिना उसके आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो समझ लो आने वाले समय में आपकी किडनी खराब होने वाली है, आने वाले समय में आपका लीवर खराब होने वाला है, आने वाले समय में आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर उत्तेजित करने वाली सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रसायन प्रयोग किए जाते हैं वो जो आपको फटाफट एक्टिव कर सकते हो, तो इन सब से बचना चाहिए। लेकिन यदि आप इन सब से बचना चाहते हो तो आपको प्रयोग क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में ऐसा क्या हो सकता है कि जिसका हम प्रयोग करके उसका लाभ ले सकते हैं। आयुर्वेद में हजारों नुस्खे हैं, बड़े सस्ते सस्ते और बड़े महंगे महंगे। अब जैसा आप प्रयोग करोगे वैसा उसका लाभ ले लोगे, लेकिन उनका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, हमने जिसको भी बताया है उन सबको इसका लाभ हुआ है। एक सत्यानाशी होती है जिसके ऊपर पीले फूल होते हैं, और फूल पकने के बाद जो डोडे होते हैं उसके, उनके अंदर चाय पत्ती के जैसे दाने होते हैं काले काले। उस जो है अपनी सत्यानाशी है, सत्यानाशी को कूट करके उसका रस निकालिए। एक तोला उसका रस यदि आप पीते हो संभव करने से लगभग आधा घंटा पहले, तो आप वो सब कार्य कर सकते हो जो एक वियाग्रा लेने के बाद कर सकते हो, या कोई और सेक्स टेबलेट के बाद जो आप कर सकते हो, मात्र सत्यानाशी का एक तोला रस लेने से। और आपको प्रयोग बता दूं, आप सत्यानाशी की लगभग आधा किलो जड़ ले लो और 4 किलो पानी में उसको जो है डाल करके उबाल दो। अब उसका इतना उबाल दो कि चौथे हिस्से का पानी यानी 1 किलो पानी रह जाए। अब 1 किलो पानी को जो है रख करके उसको छान करके किसी कांच के बर्तन में डाल दो, और उसके अंदर एक चुटकी यानी 1 ग्राम से भी कम सोडियम बेंजोवेट डाल करके रख लो। हालांकि सोडियम बेंजोवेट यदि आप ज़्यादा डालोगे तो वो कैंसर तक कर सकता है, और आजकल जो भी बंद डब्बों में सामान आता है हर किसी के अंदर सोडियम बेंजोवेट होता है। तो सोडियम बेंजोवेट का यहाँ पर कार्य ये होता है कि एक चुटकी यानी लगभग 1 ग्राम या 1 ग्राम से कम यदि आप 1 किलो किसी भी चीज़ में डालोगे तो उसको लगभग जो है 3 साल तक खराब नहीं होने देती। आप विचार करिए कितना भयंकर जो है वो केमिकल होगा जो 3 साल तक 1 ग्राम डालने पर खराब नहीं होता, लेकिन यदि आप उसकी मात्रा बढ़ा दोगे तो निश्चित रूप से वो आपका जो है नुकसान करेगी। अब 10 ग्राम मात्र लेना है, हर रोज लेने की आवश्यकता नहीं है, हर रोज सेक्स करने की भी आवश्यकता नहीं होती, दिमाग खराब आपका। 40 किलो अनाज खाने के बाद 1 बार संभव करने से जितना देरी निकलता है उसका निर्माण होता है,
और यदि आप हर रोज करोगे तो धीरे धीरे आपका शरीर खत्म हो जाएगा, हजारों रोग आपको जकड़ देंगे। तो ये कभी कभार करने की चीजें होती हैं, हफ्ता में एक बार कर लो। जैसे एक संस्कृत का श्लोक है, श्लोक मेरे ध्यान में नहीं है लेकिन उसका मैं अनुवाद बताता हूँ आपको। किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि हे महात्मा, हमें संभोग जो है जीवन में, हमें संभोग कब करना चाहिए? तो महात्मा ने कहा, संतान प्राप्ति की इच्छा से जीवन में एक बार कर लो, यदि संतान ना हो तो वो दो बार कर लो। तो उसने कहा, नहीं, एक बार में तो हमारी संतुष्टि नहीं होती। तो उस महात्मा ने कहा, साल में एक बार कर लो। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, साल में नहीं। तो महात्मा ने कहा, 6 महीने में एक बार कर लो। फिर व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं ये संतुष्टि नहीं होती। तो महात्मा जी ने कहा, आप ऐसा करो, महीने में एक बार कर लो। फिर भी नहीं संतुष्टि हुई तो चलो ठीक है, आप महीने में 2 बार कर लो। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो महात्मा ने कहा, चलो भाई आप सप्ताह में एक बार कर लो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँगा। तो महात्मा ने कहा, पहले अपनी लकड़ी को शमशान घाट में पहुँचा दो और फिर जो है आप जी चाहे जितना सेक्स करो, जितना संभोग करो। यानी आपके शरीर को जर्जर अवस्था में लाने की सबसे सस्ती और सबसे भयानक प्रक्रिया है बार बार भोग करना। बार बार भोग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सप्ताह में एक बार या महीने में 2 बार आप करोगे। आपका जीवन साथी को भी संयम होना चाहिए, आपको भी संयम होना चाहिए, और संयम से ही जीवन का निर्माण होता है। यदि आपके जीवन में संयम नहीं है तो आप जो है असफल रहोगे निश्चित रूप से। क्या होता है, यदि हम हद से ज़्यादा संभोग करते हैं तो हमें काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के सिर में दर्द रहता है, लंबे समय से सिर में दर्द रहता है, और वो व्यक्ति सारी चिकित्सा पद्धतियां फैल कर चुका है, आयुर्वेद भी। सबसे पहले मैं आयुर्वेद का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति फैल है, होम्योपैथी फैल है, यूनानी फैल है, एलोपैथी फैल है, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं वो सब उसने फैल कर दी और उसके सिर का दर्द नहीं गया। तो इसका कारण है कि उसके सिर में जो ताकत बुद्धि की तीव्रता के लिए होनी चाहिए, जो मेधा शक्ति होनी चाहिए, वो मेधा शक्ति वीर्य के पतन की वजह से खत्म हो गई है। अब उसकी पूर्ति के लिए जो है उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। अब हो सकता है उसने इतना विकार उत्पन्न कर लिया हो कि उसको 1 वर्ष तक भी करना पड़ जाए, और हो सकता है उसको 2-3 महीने में भी जो है आराम हो जाए। तो वीर्य का बड़ा महत्व है। 9 वर्ष पर संपर्क संकल्प करो कि अथाह वीर्य नहीं बहाएंगे और ऐसे वेस्ट में इसको हम नहीं बहाएंगे, इसकी उपयोगिता को समझेंगे। और आपको जो है 9 वर्ष और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।